नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं और शायद ये पहला ही मौका है हम लोगों के लिए। तो आपको घर में कैसा लग रहा है? घर बैठे बैठे बहुत अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं लग रहा है। हमारा जो एक रूटीन लाइफ थी वो क्रम टूट गया, पर इस समय आप जानते हो हमारी मजबूरी है। बहुत बड़ी समस्या से हमारा देश क्या पूरी दुनिया गुजर रही है, और इस लॉकडाउन के रहते लेकिन हमको सब कुछ करना है, पढ़ाई भी करनी है ना, और सब कुछ करना है। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब मन उकता जाता है तब लगता है कि कुछ ऐसा करें जिससे मन को ताजगी मिले। तो आपको रिफ़्रेश करने के लिए मैं आपकी ड्राइंग टीचर रीता कपूर मैडम आज आपको कुछ कोलाज पेंटिंग के टिप्स दूंगी, और आप भी कोशिश करना घर में जो पड़ा हुआ मटेरियल है उसी को यूज़ करना है। कुछ लेने के लिए हमें बाहर नहीं जाना है, ठीक है? और जो भी हमारे पास इजीली अवेलेबल है इसके लिए, कोई एक प्लेन पेपर ले लो, वाइट नहीं है तो ब्राउन ले लो, ब्राउन नहीं है तो कोई भी घर में पड़ा हो, ठीक है? और पुरानी पत्रिकाएं या ओल्ड न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स को फाड़ कर हमें उसी से ही जो भी हमें रचना करनी है, जो भी क्रिएटिविटी करनी है उसी को यूज़ करके बनाना है, ठीक है? और मैं सोचती हूँ कि ये सभी बच्चे ट्राई करेंगे, और आपसे जैसा भी बने, भले ही बहुत अच्छा ना बने लेकिन कोशिश सबको करनी है। और सभी बच्चे देखना इसको ज़रूर, हम इस वीडियो को डालेंगे, आप तक पहुँचाएँगे, और आप भी घर में इसको ट्राई करेंगे, और हर संडे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप करेंगे, ठीक है? मैं आपसे, आपको भी मेरे से प्रॉमिस करना है और मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम आपके संग बने रहेंगे। तो अब अभी मैं कुछ आपको अपनी कलाकृति जो आपके तक पहुंचाना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो उसको हम शुरू करेंगे। ओके, हाँ तो बच्चों, हम अब एक पेपर कोला शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए जो मटेरियल है ये मैंने पुरानी पत्रिकाओं से, ये आपके घर में भी पड़ी होंगी पुरानी ओल्ड मैगजीन्स, ये उन्हीं में से मैंने कुछ स्ट्रिप्स निकाली हैं, ये देखिए। और इसमें से जो कलर्ड पेपर होता है अखबार में या मैगजीन्स में, और उसको हम इस तरह से छोटे छोटे उनके इस तरह से पीसेस कर लेते हैं। कैसे भी इनको फाड़ लीजिए, और फिर इनको हम जो भी कलाकृति बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उसमें इनको हम कलर की जगह हम इनको यूज़ करेंगे, और इसी से हमारा पेपर कोलाज तैयार होगा। और इसके लिए आपको चाहिए फेविकोल, कोई पुराना ब्रश ले लीजिए जो ख़राब ना हो, जिससे ख़राब, क्योंकि अगर आप अच्छा ब्रश लेंगे तो उसके रेशे ख़राब हो जाएंगे। और इससे आप लगाकर, अब मैं एक बर्ड बनाने जा रही हूँ, आप देख रहे होंगे सामने एक बोर्ड पर मैंने एक हल्का सा स्केच बनाया है, एक चिड़िया बैठी है डाली के ऊपर, आप इसको ध्यान से देखिए। इसका हम हल्का सा स्केच बना लेते हैं, फिर इसमें जो डिटेल्स हैं वो इसके पंख वगैरह, इसकी पूंछ, ये किस तरह से डाली पर बैठी हुई है, ये सब हम इसको पेपर स्ट्रिप से चिपकाकर, सोच लो स्ट्रिप्स का हम कलर की जगह यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसको कलर से नहीं बना रहे हैं। कोलाज का मतलब ये होता है वेस्ट पेपर या वेस्ट मटेरियल से कलाकृति को बनाना। अब आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है एक चिड़िया है, और ये बच्चों आप देख रहे हैं, पता नहीं आपको पूरी डिटेल दिख रही है, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से, ये वाइट क्रेयॉन का टुकड़ा ले लीजिए क्योंकि कागज़ का रंग ग्रे है, इसलिए हमको ये विजिबल हो और हम इसमें बना सकें इस तरह से। इस तरह से हम स्केचिंग को कर लेंगे, अब
स्केचिंग में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, क्योंकि हमें बाकी सारा डिटेल काम जो है पेपर स्ट्रिप के द्वारा करना है। बस इतनी आप स्केचिंग कर लीजिए जो आपको समझने लायक हो जाए कि आपको कहाँ पर कागज़ लगाने हैं और कहाँ पर हमको काम करना है। अब ये देखिए मेरे हाथ में फेविकोल है और ये कागज़ की कतरन है। अब हम देखेंगे कि पेड़ के लिए हमें किस तरह का चाहिए। पेड़ के लिए हमको, आप सबको पता है पेड़ का तना ज़्यादातर हम ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, तो मैंने ये एक पत्रिका से इस तरह से ब्राउन पेपर, ब्राउन वाला हिस्सा निकाल लिया कहीं से, और अब इसके ऊपर हम फेविकोल लगाएंगे। आप घर में जब बनाएंगे तो अपने भाई बहन को साथ बिठा लेना, एक बच्चा जो है फेविकोल लगाएगा और दूसरा बनाता चिपकाता जाएगा, तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। मैं तो अकेले कर रही हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। ये अब हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ पर ये सही फिट आएगा। तो मुझे लगता है हमें यहाँ इस जगह पर इसको लगा देना चाहिए। ये इसका टहनी वाला भाग है, देख रहे हैं। और अगर कहीं से कुछ उखड़ा सा लगे तो आप उस भाग को फिर से चिपका सकते हैं। इसी तरह से इस एरिया को अब हमें ब्राउन कलर या ब्राउन से मिलते जुलते रंग, अब इसी के आसपास, अब ये भाग है तो मैं इसको यहाँ पर आगे इसको पूरा हमको पैचअप करना है। और अब आप देखिए ये कहाँ पर सेट आएगा। मुझे लगता है मुझे इसको यहाँ लगा देना चाहिए, ये ऐसे, ठीक। अब इसी तरह से चिड़िया के लिए आप थोड़ा दूसरा रंग सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि बर्ड्स तो कई कलर की होती हैं। अब इस कागज़ में मेरे को ये रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाह रही हूँ कि ये इसको मैं कहीं ना कहीं लगाऊँ। अब ये देखो, ये मुझे लग रहा है इसको हम ऐसे फाड़ लेते हैं, चोंच है, चोंच के ही आकार में इसको मैंने फाड़ लिया। और इसको हम ये चोंच की जगह पे हमने इस तरह से लगा दिया। ये एक व्हाइट स्ट्रिप मेरे को अच्छी लगी इसके साथ कंट्रास्ट लेने के लिए। तो बच्चों, ये इस समय ये बन के तैयार हुआ है, समय तो इसमें लगा है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत तो, देखो जब कुछ हम अच्छा काम करते हैं तो आपको समय तो लगाना ही होगा और थकना नहीं है। बीच में आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, थोड़ा सा कुछ और कर लीजिए, फिर मन को बदलने के लिए फिर आप, बेशक आप 2-3 दिन में इसको पूरा करें हैं, लेकिन आप अपना इसमें और ओरिजिनल आइडिया कुछ और आपके मन में हो लॉकडाउन से रिलेटेड या COVID-19 से, उसको पेंटिंग से के साथ रिलेट करके आप बनाइए। और एक संदेश भी इसके माध्यम से हम लोग भेजेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। ये आप लोगों की क्रिएटिविटी का एक खास पीस होगा, और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करना, और सभी बच्चे इसको बनाएंगे। और इसमें मैसेज है कि अगर कोरोना को हराना है तो हमको घर पर ही रहना है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कोई भी ऊपर स्लोगन देकर, और इसमें आप कटिंग्स, लिखावट न्यूज़पेपर से भी निकाल सकते हो, मैंने भी न्यूज़पेपर से निकाला है, क्योंकि कोलाज में हम लोग इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।
और अब मैं चाहूँगी कि आप इससे भी सुंदर बनाकर मेरे को वीडियो भेजेंगे अपने वर्क का, मेरे ही व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे, और हमें बहुत खुशी होगी जब पूरा स्कूल इसको बनाएगा अपने अपने तरीके से। ओके, बाय।